हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेचर गरिमा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये करके मैदा लिया है। उसका डो प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये मैंने नमक डाल दिया है, नमक हमें स्वाद। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हम मैश करके डालेंगे इस तरह से। तो अजवाइन को अब इसमें हम 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ऐसा इसका आटा हमें इस तरह से रखना है जैसे ऐसे इसकी मुट्ठी बनने लगे। आप देख सकते हैं इसकी मुट्ठी बन रही है, यानी ये हमारा डो परफेक्ट बनेगा। तो हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस जितना उसमें लगेगा उतना ही हमें इसमें डालना है और एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, डो हमारा एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तैयार करते हैं। तो अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे इसकी। गैस को मैंने कर दिया है ऑन। इसके लिए हमने ये उड़द दाल ली है, ये सोख करने रख दी थी। ये और ये मैंने आधा बाउल बेसन लिया है। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च को मैंने कट किया है और इसको कद्दूकस कर लिया है। और इसके साथ जाएगी हींग, और हींग तो जरूरी रहती है। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1 पिंच हींग, थोड़ा जीरा, में सौंफ, बड़ी वाली सौंफ है ये। कोई भी चीज़ हमारी जलना नहीं चाहिए, इसलिए आंच को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। और इसके बाद जाएगा इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्च हमारा जलना नहीं चाहिए। तो दाल को मैंने थोड़ा सा तरतरा सा पीस लिया था, ज़्यादा नहीं पीसा है। इसको हम डाल देंगे पहले दाल को। दाल और कुछ हमने खड़ी रखी थी दाल, तो दोनों का हम अच्छे से इसको अच्छे से ये लगे ना और जले ना, इसलिए आंच को भी हमें स्लो रखना है। उसको लगने देना नहीं है और इसको स्लो आंच पर ही हमें पकाना है। थोड़ा थोड़ा ये डर देंगे। आप देख सकते हैं दाल हमारी थोड़ी थोड़ी बिखरने लगी है। अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को भी हमें इसके साथ अच्छे से पकाना है। दोनों को साथ में अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, पकते पकते इनका कलर चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे वो अपना इसमें सामान ऐड करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पकने लगा है अच्छे से, यानी नीचे लगने लगा है बेसन थोड़ा थोड़ा।
अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक को ऐड किया है तो इसमें हम कम नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा। ये थोड़ा हल्दी पाउडर, मैंने धनिया नहीं डाला था पहले, खड़ा धनिया, तो सूखा धनिया डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मिर्च है तो मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही ली है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसे भुनने देते हैं। हो गई हमारी कचौड़ी की स्टफिंग तैयार। मिनटों में झटपट हमारी कचौड़ी भी बनके रेडी हो जाएंगी इसी तरह से। इसमें लेमन यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें खटाई के लिए आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं लेमन ऐड कर रही हूँ, बस आधा। इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, हमारी कचौड़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। लेमन अच्छा भी रहता है क्योंकि उड़द दाल थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो लेमन सही रहता है, हमारी खाना को पचाने में हमारी मदद करता है, तो लेमन ज़रूरी है, इसलिए मैंने लेमन ऐड किया है। आम तो मसाला हमारा अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ। मैंने इस तरह के लड्डू बना लिए हैं। अब हमारी लोई में इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से उसको हम दबाते जाएंगे। आप चाहे तो हाथों से इस तरीके से इसको पुश कर सकते हैं, आपकी कचौड़ी बहुत अच्छे से बन जाएगी। आप चाहे तो दोनों तरफ से इस तरह से, और एक थोड़ा सा हमें बेलन इस तरह से चला लेना है, तो हमारी अच्छे से बड़ी कचौड़ी बनके रेडी हो जाएगी। ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक सा बेलना है हमें, पूरी की तरह इस तरह से बना के हमें सारी। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक आप सेक सकते हैं, नहीं तो आप डबल करके डाल सकते हैं। धीरे धीरे हमारी कचौड़ी ऊपर आने लगी है, आप देख सकते हैं।
कितनी अच्छे से फूल रही हैं। बस हमें इनको स्लो आंच पर ही सेकना है, आंच को फुल नहीं रखना है, नहीं तो ये हमारी जलने लगेंगी। अब इनको हम पलट देंगे। ये हमारी गोल्डन हो चुकी हैं, एक तरफ से और कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कचौड़ी हमारी एकदम फुली फुली क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एकदम रेडी है। अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ हरी चटनी और सॉस के साथ। जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप खा सकते हैं। एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनी हुई है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।